हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटो में से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको एक रिमूव नाम का ऑप्शन देखना है, या तो आपके टूल से मिलेगा या फिर सीधा नीचे की तरफ मिल जाएगा, और इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी नेट ऑन रखनी है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आप इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और जिस भी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं उस पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इसे इस तरह से परफेक्टली ड्रॉ करना है, थोड़ी एजेस बाहर रखते हुए, और ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर रिमूव नाम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर परफेक्टली रिमूव हो जाएगा। इसमें एजेस रह जाएगी तो उन्हें भी परफेक्टली मैच करने के लिए यहाँ से डन करना है, और इसके बाद आपको ऊपर की तरफ आना है टूल्स पे, और यहाँ से क्लोन पे आना है। क्लोन पे आने के बाद ब्रश पे चलना है और इसकी हार्डनेस और ओपेसिटी को कम करना है, साइज़ को बढ़ाना है, और अब एजेस के पास वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है और इस तरह से एजेस पर ड्रॉ कर लेना है। तो ये बैकग्राउंड के साथ परफेक्टली मैच हो जाएगा, इसे परफेक्टली मैच हो जाएगा, और रिमूव कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव हुआ है ये भी पता नहीं चलेगा। तो इसमें आपको जहाँ भी लगता है कि यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है तो आप इससे क्लोन टूल से मैच कर सकते हो। इतना होने के बाद इसे भी यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद देखिए हमारी फ़ोटो हो चुकी है रिमूव। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।